हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 30 मई 2019 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, बीते दिनों मध्य प्रदेश में बुंदेला राजवंशीय स्थापत्य शैली के साथ ऐतिहासिक स्थलों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की एक अस्थायी सूची में किसे विरासत शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो ये ओरछा को किया है। अच्छा, आपको पता ही होगा कि इंडिया में अहमदाबाद एक पहली शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, ठीक है जी। अब ओरछा को इन्होंने शामिल किया है। ओरछा को शामिल किया है किसमें? अस्थाई में। देखिए, इसमें इसके लिए क्या होता है, एक बार अस्थाई में आपको शामिल करना पड़ता है, फिर अस्थाई रूप से इसको मिल जाता है। ये ओरछा में देखिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे किले हैं, बहुत सारे, कुछ बड़े छोटे बहुत सारे हैं, इसलिए इसको इसमें शामिल किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अच्छा देखिए, ये पचमढ़ी जो है, पचमढ़ी के बारे में आप बताइए, ये मध्य प्रदेश में ही है। बीते दिनों सरकार ने 30 मई को होने वाला शपथ समारोह में किस संगठन के सदस्य देशों को आमंत्रित किया है? तो ये किया है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है जी? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो बिम्स्टेक के सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। उसमें से कौन कौन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है। तो इंडिया में तो चूंकि हो ही रहा है, ये मोदी जी जो शपथ ले रहे हैं उसमें, तो इनके अलावा जो 6 देश हैं उनको बुलाया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विदेश दौरे पे हैं, तो उनके आना शायद मुमकिन नहीं है, और म्यांमार के भी विदेश मंत्रालय शायद ऐसा कुछ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बीते दिनों किस भारतीय सेना के अधिकारी को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर को, ठीक है। ये देखिए उनका एक फोटो है, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर को इनको किया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है DRDO ने, ठीक है। देखिए, मिसाइल हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सारे के सारे जो हमारे रक्षा विभाग का होता है, और DRDO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो आपको DRDO का बारे में पता है तो जरा लिखिए इनके बारे में। मध्यम दूरी की बहुलक्षीय कार्य सक्षम मिसाइल को नाग, अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी मिसाइल के अलावा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है? 25 किलोमीटर है और 18,000 मीटर है ऊंचाई के साथ, ठीक है। बीते दिनों किस बैंक ने बैंक ऑन व्हील सुविधा शुरू किया है? तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने बैंक ऑफ व्हील सेवा शुरू किया है। मतलब इसमें आपको बैंक है जो गाड़ी पे ही चलेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर चेन्नई, MD और CEO इसके हैं R सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है जी। चलिए इसके बारे में ज़रा जानते हैं। IOB ने घोषणा की है कि विजयवाड़ा के अलावा तमिलनाडु और केरल के 14 जिलों में बैंक ऑन व्हील सुविधा की शुरुआत की है, ठीक है। मोबाइल बैंक सुविधा जनता को, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को, मुख्य जिलों के चिन्हित स्थानों पर आसानी से डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो ये किसने किया है? IOB ने। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों पहली UN हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये अपने देश भारत को चुना गया है UN हैबिटेट असेंबली कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में, ठीक है। और ये पहली जो होगी मीटिंग, उसमें जो 27 से 31 मई के बीच में चल रही है, ठीक है जी। ये कहाँ चल रही है? केन्या में। चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों किसने फेसबुक की 2020 तक ग्लोबल क्वाइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो किसने किया है ये जी? तो ये फेसबुक ने किया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई है, तो फेसबुक ने किया है। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे इनका तस्वीर में। चलते हैं अगले सवाल पे। बीते दिनों किस भारतीय शांति दूत को UN द्वारा मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये किया गया जितेंद्र कुमार को। जितेंद्र कुमार जी हैं जिनको ये एक शांति दूत रहे हैं UN के, तो उनको मरणोपरांत
सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन हैं और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत जो है चौथा सबसे बड़ा योगदान देता है। यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, और एंटोनियो गुटेरेस वहाँ के चेयरमैन है, या फिर कहिए आप जनरल। बीते दिनों किसने तत्काल निपटान प्रणाली में ग्राहक लेन देन के समय को 4:30 से 6 बजे तक बढ़ा दिया है? तो ये किया है RBI ने, ठीक है, RBI ने किया है। अब बात RBI की आई है, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में शक्तिकांत दास उनके गवर्नर हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बीते दिनों किस भारतीय ने दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का फतह किया है? तो ये आंसर है सागर कसाना, उत्तर प्रदेश के, ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा देखिए, ऑप्शन बी है जो कामी रीता है, आपको पता है नेपाल की हैं और ये 24 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाए हैं। दो और नाम आपको बताना चाहिए। चलिए अब लेते हैं जवाब 35 का। बीते दिनों भारत की दूसरी बड़ी ट्रैक्टर कंपनी टैफे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है इन्होंने अक्षय कुमार को जी, ठीक है, आप लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। सलमान खान काहे के बनाए गए हैं? भारत पे का। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को संयुक्त रूप से एक साथ मिंत्रा ने बनाया है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको रिविजन जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का सवाल। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ कौन लेंगे? तो यहाँ ऑप्शन 4 हैं, प्रेम सिंह तमांग, पेमा खांडू, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी। तो आप एक तो आंसर कीजिए और हर एक के बारे में बताइए। एक आप ही में से नाम है ममता सिंह, उन्होंने बहुत अच्छे से चारों राज्यों के बारे में बताया जिनके विधानसभा में चुनाव हुआ है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार।